बामर के प्रॉपर्टी डीलर कैलाशी गोयल की हत्या के 4 शूटरों को पुलिस ने गौ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कैलाशी को गोली मारने की सुपारी प्रॉपर्टी पार्टनर अनिल वर्मा, दीपक धाकर समेत डबरा के सरदार ने 10 लाख रुपए में स्ट्रीट शूटर मोनू तोमर को दी थी। साथ ही बदमाश मोनू ने 31 मार्च की रात को 8 बजे 4 शूटरों को कैलाशी को घायल करने के लिए भेजा, लेकिन हो गया मर्डर। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने 4 शूटरों को दबोचने के लिए पुलिस ने उनके ही विरोधियों का सहारा लिया। शूटर ग्वालियर से दक्षिण राज्य में जाने वाले थे, तभी टीआई बामर वीरा सिंह कुशवाहा की टीम ने गौ क्षेत्र में 4 आरोपियों को गिरकर दबोच लिया। दबिश के दौरान चारों शूटर एक बाइक पर बैठकर गौ से ग्वालियर की तरफ आ रहे थे। शूटरों में एक आरोपी की आक्रात्मकता तो देखी कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद वह परिजन से पूछ रहा कि पुलिस ने प्रदर्शन किया हो तो उनमें से किसी भी एक की हत्या कर सकता हूँ। यह वही शूटर है जिसने 10 दिन पहले ग्वालियर बाल संप्रेक्षण गृह से जमानत पर रिहा होकर आया है। पकड़े गए शूटरों का कहना है कि उनको अंबा जेल में बंद बदमाश मोनू उर्फ मुनेन तोमर ने प्रॉपर्टी डीलर कैलाशी के पैरों में गोली मारकर टास दिया था, ताकि चमकने के बाद वह हनुमान चौराहे गोले वाले मकान को बेचकर पार्टनरों की फंसी रकम का हिसाब कर दे। शूटरों से यहां तक कहा गया था कि पिस्टल से गोली मारना, लेकिन जब पिस्टल के फायर मिस हो जाए तो शूटर ने कट्टे से गोली मारी। पिस्टल व कट्टा देखकर कपड़े की दुकान में बेंच पर लेटा कैलाशी गोयल उठकर अलर्ट हुआ तो गोली उसकी पसलियों में लग गई, जिसने प्रॉपर्टी डीलर की जान ले ली। एसपी आशुतोष बागरी का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले एक आरोपी अनिल वर्मा गिरफ्तार कर लिया है, बाकी के लिए दबिश दी जा रही है। तो शाम की घटना है, ये बारिश हो रही थी, उसी बीच में एक व्यापारी है बामौर में, महावीर क्लॉथ स्टोर्स के नाम से एक दुकान है, उसमें दो बदमाश गए और उनसे जो है कपड़ा मांगा कुछ खरीदने के बहाने और फायर किया और फायर करके भाग गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए तो वहाँ के वीडियो फुटेज निकलवाए, वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई। उसमें ये बात क्लियर हुई कि दो आरोपी अंदर गए थे और दो आरोपी बाहर थे, ये 4 आरोपी थे। चारों आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उनका नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इस पर और हम लोगों ने लगातार डेवलपमेंट किया, तो डेवलपमेंट के बाद ये पता चला कि एक बदमाश है मोनू तोमर, उसका जो है, और अनिल वर्मा, इनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था और इस प्रॉपर्टी विवाद पर से मोनू तोमर और अनिल वर्मा ने मिल करके इनको जो है जो कैलाश गुप्ता है इनकी हत्या करवाई थी। अभी आज की स्थिति में जो 4 लोग हैं, जो 2 लोग अंदर गए थे, जो वीडियो जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। वीडियो के जो जो बाहर खड़े थे दुकान के, जो उनके साथ में गए थे, वो 2 आरोपी हैं, वो दोनों आरोपी नाबालिग हैं, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। अनिल वर्मा भी अरेस्ट हो चुके हैं और जो मोनू तोमर है उसके करीब 17 अपराध हैं, वो अम्बा जेल में है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी फ्रंट में जिन लोगों की भूमिका थी, वो सारी इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें कुछ लोगों के इन्होंने जो फरियादी हैं, उन्होंने संदेह के आधार पर नाम लिखवाए थे, उसकी जो है जाँच की जाएगी और जो इसमें सही विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल घटना में जो हथियार दिख रहे हैं वीडियो में, वो दोनों हथियार जब्त हो गए हैं और गाड़ी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है, उम्मीद है कि वो गाड़ी भी जो है जब्त हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे जो घटनाक्रम है, उस पूरे घटना का पटाक्षेप हो गया है और सभी आरोपी ऑलमोस्ट जिनकी इसमें भूमिका थी, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बाकी अभी पूछताछ इनसे चल रही है, यदि किसी और की भूमिका आएगी तो उस पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी।